हेलो फ्रेंड्स, फ्यूचर नेट इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज SMD माइक को आप आयरन से कैसे निकालोगे, कैसे लगाओगे, आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं। ये टॉपिक हमने इसलिए चुना क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमारे पास SMD माइक की, इसलिए SMD माइक की जो टेक्नीशियन या हमारे स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास में होती है कि हम इसको किस तरीके से लगाएं, क्योंकि अगर आप इसको हॉटगन से लगा रहे हो या निकाल रहे हो तो ये उतनी देर में तो ये ख़राब हो जाता है। या तो आप इसका एक सोल्यूशन ये होता है कि जंपर से लगाओ, और या आप आयरन से किस तरीके से इसको निकाल के लगाते हो आज हम आपको ये दिखाने जा रहे हैं। तो देखिए ये हमारा SMD माइक लगा हुआ है और इसको हमें आयरन से निकालना है। तो कैसे निकालना है आज पूरा तरीका देखिए। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, ये हमारे पास में एक पॉइंट बना हुआ है सिल्वर गोल्डन कलर का। इस पॉइंट पे हमें पहले पेस्ट लगा लेना है इस तरीके से। पेस्ट लगाने के बाद में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा रंगा ले लेंगे और रंगे को हम इस पर इस तरीके से ऐसे रखे रहेंगे। हमें थोड़ी देर के लिए इस पर अपनी आयरन को ऐसे लगाए रखना है और इसके बाद ये देखिए कितनी आराम से ये हमारा माइक निकल गया। आप ये देख पा रहे होंगे ये हमारा माइक बाहर आ गया है। अब हमें इसको वापस से लगाना है। वापस लगाने के लिए भी हम इस आयरन का ही यूज़ करेंगे और आयरन से निकालेंगे और आयरन से लगाएंगे। तो अब हम लोग इसको लगाते हैं माइक वापस से। तो देखिए किस तरीके से हम इसको लगाएंगे। तो सबसे पहले हमें सेम वही काम करना है, यहाँ पर हमें प्रॉपर हीटिंग देनी है और हम अपने माइक को यहाँ पर बराबर से रख देते हैं। ये हमारा माइक लग गया, सोल्ड हो गया। ये देखिए ये हमारा माइक सोल्ड हो गया है। तो इस तरीके से आप SMD माइक को आयरन से लगा सकते हो और आयरन से निकाल सकते हो। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमारे पास इसी चीज़ की आती है कि हम जब इसको हॉटगन से निकालते हैं या लगाते हैं तो ये उतनी देर में उतनी हीटिंग से ही हमारा ख़राब हो जाता है। तो अब आपको इससे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप आयरन से SMD माइक को निकाल सकते हो और आयरन से लगा सकते हो। थैंक यू।